जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।
पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में
खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के
रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में
पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया, वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया, वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ
22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद
गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके।
माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे। यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है।
इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे। यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।
पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में
खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के
रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में
पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ
22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद
गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके।
माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे है अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे। यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है।
इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे। यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।
पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में
खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के
रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में
पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ
22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद
गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके।
माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंगिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे। यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है।
इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे है अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जाबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हाथ कड़े असफल हो चुके थे। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे। यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जाबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जाबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने यह पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।
पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है। जसवंत सिंह गिल की जबाजी फिल्म आ रहे हैं अक्षय कुमार। जाने खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने वाले इस रियल हीरो की कहानी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जबाजी पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है। अक्षय ने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। पोस्टर में वो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार में फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि गुरुवार को फिल्म का टीजर भी जारी किया जाएगा। ये फिल्म जसवंत और उनकी बहादुरी की कहानी को बयां करती है। आइए आज जानते हैं जसवंत सिंह गिल ने कैसे बचाई थी कोयला खदान में फंसे 65 लोगों की जान। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सतियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और 1959 में
खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर कोयला इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के दौरान उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि 1991 में उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। अब उन्होंने जो काम किया उस पर फिल्म लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं। टीनू सुरेश देसाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर 1989 के दिन खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, इसी दौरान खदान में बाढ़ आ गई। ऐसा माना जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को दो लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर शॉफ्ट में पानी भर गया और 71 मजदूर वही फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और 65 को बचाने की जुगत होने लगी। उन्हें रेस्क्यू फिल्म 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की, दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहाँ से पानी जा रहा था, पर सारे हथकड़े असफल हो चुके थे, कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराग बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला, कैप्सूल में लिया, स्टील पर हथौड़ा मारकर इशारा किया, उन्हें ऊपर खींचा गया। इस सफल निकासी के बाद गिल साहब ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या जिन्हें बुखार था। 7-8 राउंड के बाद जब ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में सफल रहे, यानी 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए रो पड़े कि वो बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने वो कर दिखाया था जो असंभव था। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के असली हीरो की कहानी देखे। टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है।